गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मैं चिकन बना रहा हूँ अपने लिए। आज हम इसी पुल के लिए निकलेंगे, खा पी के निकलते हैं। सो फाइनली हम फ्लैट से निकल चुके हैं इसी कूल के लिए। पीछे दिव्यांग कर रहा है, विजय नीलोत्पाल पहले ही पहुंच चुके हैं बस स्टैंड पे, वो वेट कर रहे हैं हमारा। और हम थोड़ा लेट हो गए थे, मेरा ब्रेकफास्ट बनने में थोड़ा टाइम लग गया था। नहीं, ये मैं बिना नशे के बोल रहा हूँ। नशे के बाद क्या होगा? तो गाइस फाइनली हम चोलपोन इसी कुल उतर चुके हैं। सारे दोस्त मेरे साथ हैं, ये विजय है, बाकियों को मैं जानता नहीं। और दो चिमकांडी वहां से आ रहे हैं, और बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। व्लॉग में बने रहना एंड तक। आगे इसी कूल है, हम हमारा पूरा कॉलेज दिखाएंगे जहाँ तक हमने 3 साल गुजारे हैं। 4th ईयर हमारा घर पे हुआ था कोरोना की वजह से, 5th ईयर हमारा बिस्केक में हो रहा है। और दिखाएंगे कि कितना अच्छा कॉलेज था। सो गाइस, जो वो ब्लू कलर की बिल्डिंग दिख रही है वो हॉस्पिटल है, और हमारी क्लास लगती थी वो हॉस्पिटल पीछे की तरफ है, बहुत मतलब यहाँ से 500 मीटर दूर। और ये बीच की तरफ जाता है सीधा रास्ता, जब स्नोफॉल होती है ना तो ये एरिया बहुत सुंदर दिखाई देता है, पूरा वाइट वाइट हो जाता है, सब कुछ वाइट हो जाता है, और यहाँ पे मतलब अलग ही सीन बन जाता है। और जो फोटोग्राफी होती है ना इस रोड पे बहुत अच्छी होती है। हमने बहुत सेव तोड़े हैं, सेव चेरी मतलब रोड पे रहते हैं ऐसे, जैसे अपने नींबू के पेड़ और क्या बोलते हैं अमरूद के पेड़ ऐसे हर किसी घरों में होते हैं ना, ऐसे यहाँ पे सेव के पेड़ होते हैं। ये देखो सेव के पेड़ है, इधर वो है फुटबॉल का केज गाइस, हमारा क्रिकेट का ग्राउंड भी इस साइड है जहाँ पे क्रिकेट मैंने बहुत छक्के मारे हैं बहुत। हमारा एक बार मैच हुआ था सीनियर के साथ, बिस्के के सीनियर रहते, हम इसी कूल के जूनियर थे, तो हमने मैच जीता था वो यहाँ पे हमारे होम ग्राउंड में, और मैच जिताया था तुम्हारे भाई ने। ये बिल्डिंग अभी ले ली है बस, ये थोड़ी सी, ये पूरी नहीं ली है रेंट पे, इसमें अब जूनियर्स आएंगे। ये कॉर्पस वन है, ये क्या है ना, यहाँ टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो वो रहते हैं यहाँ पे। ये देखो सब कुछ रिन्यूएबल कर दिया है, चेयर वगैरह सब कुछ। और वो सामने बीच रहा, देखो गाइस सामने ये सीधा बीच की तरफ जाता है। हमने बहुत मज़े किए हैं यहाँ पे, हम खाना खा के आते थे यहाँ बैठते थे, बहुत रौनक रहती थी यहाँ पे। पहले ना यहाँ पे बहुत सारे रोज थे पूरे में, अब इसको क्या है ना रोज हटा के एक साइड कर दिया लाइन में, और ये गार्डन बना दिया है, और इस पे फूल थे। ये आगे वाला भी ऐसे ही कर दिया, यहाँ पे भी रोज हुआ करते थे, इसको गार्डन बना दिया। और ये हमारा मैस है, फर्स्ट ईयर का मैस है जहाँ, और ऊपर लेक्चर हॉल है। और इस बिल्डिंग में 3 प्रैक्टिस क्लास लगती थी, 3 रूम है, इधर भी रोज हुआ करते थे, और इसे भी गार्डन बना दिया है। ये देखो अलग ही मतलब टीन टप्पड़ घेर के एकदम मस्त बना दिया है। पहले टीन टप्पड़ कुछ नहीं थी यहाँ पे, कुछ भी नहीं था। और गाइस मैं भी यहाँ पे हूँ,
सुनते। ये हमारा डीन ऑफिस है, ऊपर ये जो ये वाला रूम है ये लैब है, और वहाँ प्रैक्टिस क्लास लगती है, और थोड़ा पीछे हमारा हॉस्टल है। ये डीन ऑफिस है, ये बिल्डिंग है, ऊपर लेक्चर हॉल है। डिनर करके यहाँ पे बैठते थे, मतलब अलग ही नज़ारा था। और वो रहा हमारा रूम पाइप वाला, वो पाइप वाला हमारा रूम है 357 सॉरी। ये हमारा कॉलेज है, ये टीचर्स का रूम है मेन, और ये देखिए बंद है ये तो। कामता को पता है, मतलब यार बताऊं तुम्हें, हम जब लेट होते थे तो यहाँ से भग के आते, तो यहाँ से भगते थे, फिर ऐसे एंटर होते थे लेक्चर हॉल के लिए। वो सामने बीच की तरफ जाता है रास्ता, हमारा मतलब बीच के लिए 3-4 रास्ते जाते हैं सीधे सीधे, सामने बीच है हमारे मात्र 100-200 मीटर पे। ये हमारा मैस है, यहाँ से आते थे डायर, आते आते मैस में रोटी खा के अपने रूम में मस्त। हॉस्टल में एंटर हो गए, वैसे ही लगाया था इसका, हमने कभी यूज नहीं किया। मेरा नाम आ चुका है दीपक चौधरी, ये हमारी मैगजीन वाली मामा है, द्रास्तवीज मामा, ये हमारी मामा की मैगजीन है, जहाँ से हम मतलब कभी भूख लगती थी रात को आके या दिन में कभी भी कुछ भी ले सकते थे। ये टीचर्स का स्टाफ रूम है, यहाँ पे हमारी क्लास लगती थी। ये जूनियर्स रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे, हमारा फ्लोर थर्ड फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, यहाँ पे विजय वगैरह रहते थे। ये मेरा रूम है 367, मैं तो रूम ही भूल गया, 357 बोल रहा था। नीचे बहुत मस्तियाँ की हैं हमने, बहुत तोड़फोड़ की है, और मेरे साथ जो मेरा दूसरा भाई है, मतलब दोस्त नहीं है भाई मानता हूँ, एक दिव्यांग, एक सुमेंद्र है, ये सुमेंद्र का रूम है 363 सॉरी मैं तो सब कुछ भूल गया भाई। ये नीचे जाता है रास्ता है, इमरजेंसी गेट। ये मेरा रूम है 367, असलम भाई का 366, और एक हमारा अलग ही प्राणी है जिसको क्लास से कोई लेना देना नहीं था, नहाने से मतलब नहीं था महीने महीने तक, सुयास बघेल 368 रूम नंबर। और दिव्यांग मेरे साथ ही रहता था 367 में। ये मेरे ग्रुप लीडर का कमरा 354 लंबोदर का, इसके जस्ट सामने लोकेश शर्मा और पांडे का था। और हमारी जो सबसे फेवरेट टीचर थी वो थी, एक मेरी तो फार्मा वाली थी और एक रशियन, दो टीचर थे, और विक्टोरिया मैम यहाँ लेती थी हमारी क्लास, रशियन की क्लास जहाँ लगती थी वहाँ भी क्लास लगती थी, यहाँ पे ऊपर अनाटमी की क्लास लगती थी, यहाँ अनाटमी की क्लास लगती थी। कोई समय था जब फर्स्ट ईयर में ये कुछ नहीं बना था, तो ये बड़े बड़े रूम थे, यहाँ हमारी फिजियो लगती थी, आज ज़्यादा मैम लेती थी, बहुत अच्छी टीचर थी वो भी, फिर इसे छोटा सा रूम बना दिया, हमारी क्लास नहीं लगी यहाँ, हमारी अनाटमी की लगी है बस एक, यहाँ पे भी कभी नहीं लगी, ये नमाज रूम था बेसिकली। ये हमारा हॉस्टल है, और सामने वो रहा हॉस्पिटल, ठीक है, ये तो मतलब एक बेसिक हॉस्पिटल है। हमारी जो क्लास लगती थी वो इसमें नहीं लगती थी, हमारी क्लास लगती थी वो पीछे लगती थी, इस हॉस्पिटल से भी पीछे, मतलब हमारे हॉस्टल से इस साइड पड़ता है बीच, 150 मीटर की दूरी पे इस साइड पड़ता है वो हॉस्पिटल जहाँ प्रैक्टिस क्लास लगती थी, वो पड़ता होगा 700 मीटर के करीब, 500-700 मीटर। ये हमारे रघु सर है, सर प्रणाम, देखो सर इसके सर गवारी नको नको। तो मस्त चीज़ कहता हूँ, ये फर्स्ट फ्लोर का बाथरूम है,
जहाँ से हमारे देवेश और सुमेंद्र ने बंक किया था रातों रात 2:30 बजे 3-3 बजे ऐसे खोला, ये जो दिख रहा है दोनों जने इसमें से निकल जाते थे। साल हमने इसी क्यू में बिताए हैं, बहुत ही अच्छे जिंदगी, हम बोलने में कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन हमको बैटिंग नहीं मिली कई बार टूर्नामेंट में खेले रहे रोने का मन कर रहा है भाई इतना। कौन सी बैटिंग की बात कर रहे हो तुम? बहुत नहीं देते थे, जैसे होती है ना आखिरी बॉल पे रन भाग लेते थे बेंच तो रन, इसका बैट खड़ा नहीं होता था तो इसकी बैटिंग तो आ जाती थी। चलिए मेरा तो खड़ा नहीं होता था, इनके पास है नहीं बैट, मौज कर दी। लेकिन कुछ भी गैर इसी को इसी आइए चलिए मिलाते हैं आपको यहाँ के सेनेटर से। पूर्व सेनेटर अब तो नहीं रहे, इनने वो दे दी रसीद के सेनेटर ऐसे हम बच्चों पे अत्याचार करते थे छोटे छोटे, कर लेना गाली निकाल दे। और आप क्या कहना चाहोगे रघु सर के बारे में? सो गाइस ये वाईफाई है, ये है ना हर रूम के आगे लग रहे हैं ना, तो हम क्या करते थे इस वाईफाई को हैक करके WPS से मतलब करके और लॉक तोड़ते थे इसका। और हमने है ना पूरी साल फर्स्ट ईयर में फ्री वाईफाई यूज़ किया है, मतलब बहुत पैसे बचाए क्योंकि यहाँ पे है ना एक मंथ का 700 रुपये का रिचार्ज अनलिमिटेड, बहुत महंगा है नेट। हमने बहुत मजे की, IPL में हम ऐसे बैठ जाते थे लाइन से, सर सोचने लग गए थे मेरा नेट कहाँ खर्च हो रहा है। ताजा ठंडा पानी बिस्लेरी, आइए गरीबों के लिए। आइए ठंडा पानी लड़कियों के लिए, जितनी छोटी सर उतना फ्री पानी। ये लगेज रूम है, इसमें भी हमें लगेज नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिला, ऊपर था उसमें भी नहीं मिला, और ये अभी लोग तोड़ रहे हैं हम, अभी लोग टूटेगा पता नहीं इसमें मिलेगा ही नहीं हमारा लगेज। एक रूम और बचा है, डीन ऑफिस और बचा है, उसमें पता नहीं मिलेगा या नहीं, लेकिन रखा था मैंने डीन ऑफिस में, अगर उसमें पक्का रखा मिल गया तो मैं जाते उठा लूँगा। ये लेक्चर हॉल है और इसी में ही हम कंप्यूटर से ऑनलाइन एग्ज़ाम देते थे, यही वो रूम है। बहुत मज़े किए हमने यहाँ फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। ये हमारे कॉलेज के सामने जाता है ये रास्ता, बिल्कुल सामने बीच की तरफ जाता है। अब आप देख लेना बीच हमारे कॉलेज से कितना दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। हम डिनर करके डेली घूमने आते थे, ब्रेकफास्ट करके घूमने आते थे, लंच करके भी घूमने आते थे। यहाँ टेबल्स होती थी, बच्चे बैठते थे, बातें करते थे, लेकिन अब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है इसको छोड़ के जा रहे, क्योंकि 3 साल हमने यहाँ पे एंजॉय किया है। अभी टूरिस्ट घूमने आ रहे हैं क्योंकि अभी इतनी सर्दी नहीं आई, गर्मी रहती है ना, देखो ये टूरिस्ट आ रहे हैं। यहाँ पे रशियंस आते हैं, कजाक से आते हैं, काफ़ी कंट्रियों से आते हैं। ये देखो टूरिस्ट है यहाँ पे, हम यहाँ पे भी स्विमिंग की है हमने, वो सामने वहाँ पे भी स्विमिंग की है, वहाँ पे तो बहुत मज़े किए हमने। साथ में विजय का ग्रुप था, हमारा ग्रुप था, दिव्यांग वगैरह, और वो सामने पुल है वहाँ से हम छलांग लगाते थे। ये देखो रशियंस टूरिस्ट आए हुए हैं। ये क्या चीज़ है, ये चेंज करने के लिए है, ये सब रूम्स हैं ये छोटे छोटे। ये हमारा सुंदर सा बीच और सामने है एक नाव। Thank you.
गाइस जब हम यहाँ पे इसी स्कूल में क्लास जाते थे तो हम यहाँ सेव खाते थे। बहुत टेस्ट किया। 1 2 3 पकड़ रहे ले जाना तारा को इधर। हां चल इधर वो सीट के ऊपर और वैसे पीछे। सो गाइस बहुत मेहनत लगी है। कितने बैग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 8 ये पीछे हैं 3 11 और एक ही आ रहे हैं। अभी पता नहीं कितने आएंगे। तुम्हारे भाई ने जिम करी है, पूरा फायदा उठा रहे हैं इस चीज का। ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं, नाजायज मेरी जिम का। डाल लियो दोनों चार्ज करके चार्ज। भाई बड़ा है, बड़ा बड़ा नहीं है, छोटा है। अभी हम रुके थे नरोदनी के लिए। नरोदनी यहाँ पे होता है एक मतलब मॉल टाइप में है जिसमें सब कुछ सारा सामान मिलता है। और ये दिव्यांग खाने पीने का सामान लेके आ रहा है। अब हमें बिस्किट के लिए निकलना है। लगेज हमने ले लिया है, सारा लगेज ले लिया हमने। और ये मेरे साथ विजय बैठा है आगे, ये निरुत्पाल आ रहा है और बाकी जो है गर्ल्स वगैरह वो सामान लेने गई है। तो गाइस कल बैटरी लो हो गई थी, स्विच ऑफ हो गया था फोन। और मैं आज सुबह कंटिन्यू कर रहा हूँ व्लॉग। और देखो कितनी भसड़ मची पड़ी है यहाँ पे, सब अपना सामान जचाने में लग रहे हैं। भाई ये दो यार इनको, क्या वी कैन कॉल इट नाइटी। एंड गाइस ये अब लुक इज टी-शर्ट कॉफी गाइस। ओहो हो इनर। ओ गाइस हम यहाँ एक महीने से रह रहे हैं, मेरे पास नहाने के लिए सामान नहीं था। तो अभी गरीबी में दो ये मिले और एक ये साबुन मिला है। ये मुझे नहाने में थोड़ा मदद करेगा और शायद धोने के लिए ब्रश भी मिला है, एक और साबुन मिला है। मतलब 2 महीने तक मुझे साबुन।